नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE विद HSM में। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना 2022 से 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना 2022 से 2023 की संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन स्कॉलरशिप दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, विज्ञप्ति फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बालिका डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम ईयर 2022 से 2023, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022, अर्थात 31 दिसंबर 2022 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना वर्ष 2022 से 2023 हेतु छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान स्थित कोटा खुला विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना 2022 से 2023 पोर्टल प्रारंभिक तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 2 दिसंबर 2022 एवं अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in द्वारा SSO ID से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C के स्कॉलरशिप CETAD माइनॉरिटी आइकन पर क्लिक कर किया जा सकता है। तो स्पष्ट किया गया है SSO ID के माध्यम से हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जनाधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएं यथा जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए। तो इन दो बातों का हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे हम महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में। दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वेबसाइट को स्क्रॉल करना होगा और यहाँ हमें एक लिंक मिलेगा, बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना बालिका डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम 2022 से 2023 के नियम एवं दिशा निर्देश। इसी के साथ में यहाँ पर स्टेप फॉर फिलिंग ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक भी मिलेगा, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नियम एवं दिशा निर्देशों के बारे में। 9/9/2022 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव है तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड इन अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेस अंडर ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बाय रीइंबर्सिंग फी, यानी ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो महिलाएं या गर्ल्स अंडर ग्रेजुएट PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत है वे इसमें आवेदन कर सकती है। टारगेट ग्रुप दिया गया है ओनली गर्ल्स, जो स्टूडेंट्स हैं वही इसमें आवेदन कर सकती हैं, और राजस्थान राज्य का जो निवासी होना चाहिए और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अध्ययनरत होनी चाहिए, आवेदन कर सकती हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर नो एज लिमिट, किसी भी आयु वर्ग की महिला इसमें आवेदन कर सकती है। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू गर्ल्स कैंडिडेट हु इज
रेजिडेंट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। हैज़ टेकन एडमिशन डिस्टेंस एजुकेशन मोड, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत होनी चाहिए, एडमिशन प्रवेशित होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, पीजी पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्सेस एक्सेट्रा इन एनी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इग्नू। ओनली डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज कवर्ड अंडर द स्कीम, केवल जो ODL माध्यम से शिक्षा है उसी को इस स्कीम के अंतर्गत मान्य किया गया है। तो एलिजिबिलिटी दे रखी है, नेचर दिया गया है, इसके अलावा प्रोसेसिंग दी गई है, ड्यूरेशन ऑफ रीइंबर्समेंट दिया गया है, DBT माध्यम से दिया जाएगा, फीस का पुनर्भरण किया जाएगा, रिन्यूअल के बारे में जानकारी दी गई है। और सीट की अगर हम बात करें तो कितनी महिलाओं को यहाँ पर लाभान्वित किया जाएगा फीस पुनर्भरण के माध्यम से, तो अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पर 16,000 गर्ल्स होंगी। PG सीट्स की बात करें तो 5,300 है, डिप्लोमा सीट्स में 10,000 हैं, PG डिप्लोमा सीट्स में 3,000 हैं, सर्टिफिकेट सीट्स में 2,000, और टोटल हम बात करें सीट्स की तो यह हैं 36,300 जो गर्ल्स होंगी, उन्हें प्रति वर्ष जो है फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी आयु वर्ग की जो महिला है इसमें आवेदन कर सकती है। ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस के माध्यम से अध्ययन होनी चाहिए, प्रवेशित होनी चाहिए, आवेदन कर सकती हैं। चाहे पाठ्यक्रम अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, किसी भी पाठ्यक्रम में अगर वे अध्ययनरत हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती है। यहाँ पर कास्ट की बात करें तो किसी भी कास्ट की, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, किसी भी वर्ग की जो महिला है इसमें आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से स्टेप्स हैं किस प्रकार हम आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, आवेदन करने से पूर्व इसका अवलोकन हम कर सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेजों की हमें आवश्यकता होगी, जनाधार ID अनिवार्य है, जनाधार पंजीयन संख्या, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल, शैक्षणिक संस्थान का नाम जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत है, पाठ्यक्रम का नाम, विद्यार्थी का नाम, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का दिनांक कौन सा, फीस की रसीद संख्या आदि का जो विवरण है यहाँ पर हमें देना होगा। यहाँ पर SSO ID का लिंक दिया गया है, इस तरह से CET माइनॉरिटी स्टूडेंट छात्र फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल, स्थायी पता, एड्रेस, यूनिवर्सिटी डिटेल और स्कीम का लिंक दिखाई देगा। स्कीम को हम यहाँ इस तरह से आसानी से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके हम आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक लिंक भी दिया गया है, यदि आप SSO पर पहली बार काम कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास में SSO ID नहीं है तो SSO ID हम जनरेट कर सकते हैं। यदि हमारे पास SSO ID मौजूद है तो SSO पर पहले से पंजीकृत करने पर यहाँ लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते हमारे सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें डिटेल फिल करनी है, डिजिटल आइडेंटिटी, SSO ID, यूज़र नेम और पासवर्ड, और यहाँ पर जो कैप्चा है फिल करेंगे। इसके पश्चात SSO ID ओपन होगी जहाँ पर CET माइनॉरिटी का जो लिंक दिखाई देगा उच्च शिक्षा विभाग का, जिस पर क्लिक करके हम आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, अब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।